मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपनों से नीचे के स्तर के लोगों को वो हे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल, काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी। तीनों का आरंभ प्रेम से होता है, स्वयं से प्रेम। परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन्म देता है और सफलता अभिमान जगाती है। यहां तक ठीक है, परंतु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है, क्योंकि सबसे बुरा अंत अहंकारी का ही होता है। परंतु मनुष्य के लिए पहेली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन आवश्यक है। इसका उत्तर मैं नहीं, आपका मन देगा। जब तक आप स्वयं से प्रसन्न हैं, जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ठीक है, परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है, इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथनें दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है, स्मरण रखिएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए, धन, प्रेम, अहंकार।
मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, कितने भी प्रबल क्यों ना, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होती है। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को, क्योंकि समय पड़ने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञात था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो सके। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है, है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सह, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण, विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही हो। जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता, मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते, एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाए, कि उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते, परंतु ऐसा बचाओ एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है।
एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते, तो इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, ये आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालो और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर, ऐसे ही भक्ति और ज्ञान की बातें सीखने के लिए।